राजस्थान के टफ और चैलेंजिंग क्लाइमेट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आसानी से अवेलेबल और स्टोर की जा सकती हैं। इसमें से एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि राजस्थानी या पर्टिकुलरली मारवाड़ी क्यूजीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बेसन। बेसन से नमकीन वगैरह काफ़ी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो कि बहुत पसंद की जाती है। लेकिन इससे जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ बनती है वो है कढ़ी। कढ़ी तो मारवाड़ी क्यूजीन की जान है और कढ़ी कई तरीके से या कई वेरिएशन से बनाई जाती है और इसका कुछ बहुत अच्छे वेरिएशंस मारवाड़ी क्यूजीन में मिलते हैं। जी हाँ, और यही सारी चीज़ें ये जो संजीव कपूर मारवाड़ी वेजिटेरियन कुकिंग में आपको मिल जाएंगी। कढ़ी में प्याज भी डलते हैं, पकौड़े भी डलते हैं और मुंगौड़ियाँ भी डलती हैं। लेकिन अब जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं इसमें हम डालेंगे काले चने। जी हाँ, काले चने जिसे हमने सोक कर लिया है, ओवरनाइट सोक कर लिया है और इसे प्रेशर कुक कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो आइए चलिए तुरंत इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम दही ले लेंगे। दही के साथ साथ कढ़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट यानी कि बेसन, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बस ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हम विस्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। विस्क करते समय हमें ध्यान रखना है कि बेसन के जो लम्स हैं वो बिल्कुल ही निकल जाने चाहिए और ये जो मिक्सचर है एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए। चलिए, जो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे ये जो उबले हुए चने हैं उसका पानी। हमने जो चने हैं उन्हें प्रेशर कुक कर लिए थे और प्रेशर कुक करने के बाद उन्हें छान लिया था, तो जो पानी जो बचा था उसे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मिक्सचर है इसमें हम ये पानी डाल देते हैं और सारी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चने का पानी डालने से इसमें टेस्ट तो एनहांस होगा ही, लेकिन एक हल्की हल्की थिकनेस भी आएगी जो कि ये डिश को बहुत बढ़िया लुक देगी। चलिए, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारा मिक्स हो चुका है, अब इसे करते हैं किनारे। और यहाँ पर मैंने एक वोक लिया हुआ है, आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस वोक में हम डालेंगे घी। चलिए, घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग के साथ साथ घी में हम डालेंगे जीरा। चलिए, जीरे का तो रंग बदल चुका है, अब ये मिक्सचर हम इसमें डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चने, सोक किए हुए और उबले हुए चने। चने के साथ साथ इसमें नमक। ध्यान रहे कि हमने बेसन वाले मिक्सचर में ऑलरेडी नमक डाला था, तो उस हिसाब से डालें, सीजनिंग एडजस्ट करें। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है जब तक ये उबल ना जाए और उसके बाद हमें इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। चलिए, जो चने हैं अब ये तैयार हैं, अच्छे तरीके से पक चुके हैं और जो इसकी ग्रेवी है यानी जो कढ़ी है वो भी बढ़िया थिक और कुक हो चुकी है। अब बस इसे तुरंत सर्व करना है गर्मा गर्म। चलिए, जो चने जैसलमेर के हमने सर्व कर दिए और इसे हम सिंपल सा एक गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है कढ़ी का एक और डिफरेंट वर्जन। इसमें चने हैं
और चने का उबला हुआ पानी है। मज़े लें जैसलमेर के चने का।